दोस्तों, अगर आपको ये याद है तो मैंने मेरे चैनल पे कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग Asus ZenFone Max Pro M1 का, जो नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट था उसके बारे में। मैंने वहां पे जो नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट था उसका कुछ इंप्रूवमेंट्स जो इंक्लूड किया गया है इस अपडेट में वो आपके साथ शेयर किया था। साथ में यह भी बताया था कि आपको Asus ZenFone Max Pro M1 में जो नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट है वो 19 दिसंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे ये Asus की तरफ से मेल आया था और मैंने आपके साथ वो जो मेल था Asus की तरफ से जो स्क्रीनशॉट था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। पर आप में से बहुत सारे लोग टॉन्स ऑफ कमेंट्स कर रहे हो, कोई व्हाट्सएप कर रहे हो तो कोई मुझे कॉल कर रहे हो, कोई कमेंट्स कर रहे हो मेरे हर एक वीडियोस में। मानता हूं, जानता हूं आपका तकलीफ, आपका दिक्कत, आपका जो प्रॉब्लम्स हो रहा है वो। देखिए ना, खुद मुझे भी अभी तक अपडेट नहीं मिला है Asus ZenFone Max Pro M1 में, पर डोंट बी वरीड, मैं आज इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूंगा आप कैसे मैनुअली आपके Asus ZenFone Max Pro M1 में नवंबर का जो सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट है वो आप अपडेट कैसे करोगे। जानता हूं बहुत सारे लोगों को अभी तक मिला है और बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है, तो अगर आपको मेरे तरह ये अपडेट नहीं मिला है तो ये वीडियो देखते रहिए और मैनुअली आपको ये करना होगा। पर डोंट बी वरीड, ये अपडेट मैनुअली करने के बाद इन फ्यूचर अगर आप सोच रहे हो कि आपको OTA अपडेट नहीं मिलेगा, ये आपका गलत फहमी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। चलुन करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। अब ये देखिए, ये है Asus ZenFone Max Pro M1 और ये जो वेरिएंट मेरे पास है ये 6G वाला वेरिएंट है। तो आपके पास चाहे वो 3G वाला वेरिएंट हो या 4G वाला या 6G वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनुअली इसको अपडेट कर पाओगे। तो पहले आपको ये दिखा देते हैं कि मेरे ये जो फोन है मैंने आज ही चेक किया था अपडेट, पर वो मुझे नहीं मिला। ये देखिए, यहाँ पे सिस्टम अपडेट यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे टैप करता हूं तो देखिए यहाँ पे मुझे अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। ये देखिए, लास्ट चेक फॉर अपडेट 3:05 PM, तो 22 तारीख यानी आज ही मैंने आपके सामने ये चेक किया है पर मुझे अभी तक अपडेट यहाँ पे नहीं मिला है। यहाँ पे आपको जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलेगा वो October 1, 2008। आपको ब्राउजर में जाना होगा, तो मैं यहाँ पे गूगल ब्राउजर को ओपन करता हूं और गूगल ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टैप करना होगा Asus ZenFone Max Pro M1 फर्मवेयर और यहाँ पे टैप कीजिए। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे पहले ही एक लिंक दिखाएगा, इसके ऊपर टैप कीजिए और देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का एक यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ZenFone Max Pro M1 है उसके लिए यहाँ पे अपडेट, जो अपडेट है ये 1.55 GB के आसपास है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी दिखाएगा और आपको यहाँ पे टैप करके डाउनलोड करना होगा इस फाइल। ये देखिए, इस अपडेट में जो आपको मिलेगा 19 तारीख का ये अपडेट है 1.55 GB का और यहाँ पे जो अपडेट में आपको मिलेगा और ये जो है वो 338। तो यहाँ पे गूगल सिक्योरिटी पैच, तो नवंबर का ये जो सिक्योरिटी पैच है वो आपको मिल जाएगा। इंप्रूव कैमरा परफॉर्मेंस ऑन वीडियो, वीडियो में जो कैमरा का परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाएगा और आपको यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट कॉम्पेटिबिलिटी, यहाँ पे दिक्कत हो रहा था काफी समय ऑफ और ऑन हो रहा था, ये आपको यहाँ पे इंप्रूव मिलेगा। और यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप कॉम्पेटिबिलिटी, जैसे कि इंस्टाग्राम, बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स था जो आपसे आप क्रैश हो रहा था, वो आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट मिलेगा। और ये जो दूसरा है मल्टी और वीओ वाईफाई, ये आपके लिए नहीं, ये ताइवान के लिए है। एक इंप्रूवमेंट था जो बैटरी का, पर ये कहा गया है मैं यहाँ पे आपको ये नहीं शो होगा, पर आपका बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए, इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल मैनेजर पे जाना होगा। तो देखिए, ये है मेरा फाइल मैनेजर और यहाँ पे आप देख सकते हो वो वाला फाइल
और हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो फाइल है इसके साथ छेड़खानी मत कीजिएगा और एक्सटर्नल स्टोरेज पे इसको मत रखिएगा, इसको इंटरनल स्टोरेज में ही रखिएगा। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए 338 आपको देखने को मिलेगा। तो ये नया, तो ये न्यू अपडेट फाइल है और ये जिप है, जिप फाइल है। आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन कर लिया है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐप एंड नोटिफिकेशन पे जाना होगा। ये देखिए ऐप एंड नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो सी ऑल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको टैप करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे सी ऑल पे टैप किया है और देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में तीन डॉट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप टैप कीजिए। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको शो सिस्टम पे जाना होगा। तो यहाँ पे टैप कीजिए। शो सिस्टम पे जाने के बाद आपको ऐप ओटीए सर्विस पे क्लिक करना होगा। देखिए ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा एफओटीए सर्विस, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, टैप कर देता हूँ। अब ये टैप करने के बाद आपको जो यहाँ पे स्टोरेज दिखा रहा है, यहाँ पे आपको टैप करना होगा। देखिए मैंने टैप कर दिया है और आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे टैप करना होगा। तो मैंने यहाँ पे टैप करके सारी जो डेटा था उसको क्लियर कर दिया। अब और एक बात, अब ये सब करने के बाद आपका जो फोन है इसको रिस्टार्ट करना होगा, यानी रिबूट करना होगा। और हाँ, ये ध्यान में रखिएगा कि आप जब रिस्टार्ट कर रहे हो तब आपका जो वाईफाई है या डेटा है, डेटा कनेक्शन, उसको ऑन रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए अब मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूं। तो देखिए ये रिस्टार्ट हो रहा है, फोन रिस्टार्ट हो रहा है। उनको रिस्टार्ट करने के बाद जो आपने फाइल वहां पे डाउनलोड किया था वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अब मेरा फोन ऑन हो रहा है। देखिए यहां पे सिस्टम अपडेट फाइल डिटेक्ट, ये देखिए यहां पे आपको शो करेगा सिस्टम अपडेट फाइल डिटेक्टेड, टैप टू स्टार्ट द सिस्टम अपडेट। तो आपको यहां पे टैप करना होगा। तो मैंने यहां पे टैप कर दिया है और देखिए सिलेक्ट अपडेट पैकेज, ये आपको अपडेट करना होगा। तो आप यहां पे आपको ओके पे टैप करना होगा। मैं ओके पे टैप कर देता हूं। देखिए सिस्टम अपडेट अवेलेबल। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आपका जो बैटरी है वो 20% तक चार्ज होना जरूरी है। यहां पे ओके पे टैप कर देते हैं और देखिए मेरा जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो अपडेट हो रहा है, अपडेट होने दीजिए। और इसी समय मैं आपके साथ और एक बात शेयर करना चाहता हूं। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कीजिएगा, इससे आपको हर एक वीडियोस का अपडेट यूं ही मिलता रहेगा। तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा, मेरा जो फोन है वो सिस्टम को अपडेट कर रहा है। काम तो कंप्लीट हो गया है और मेरा जो फोन है ZenFone Max Pro M1 6G वाला वेरिएंट, ये अब नवंबर के सिक्योरिटी का जो पैच लेवल अपडेट है उसमें ये अपडेट हो गया है। मेरा फोन तो अपडेट हो चुका है। अब चलिए सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं कि अब मुझे सिक्योरिटी पैच लेवल किस महीने का दिखा रहा है। तो यहां पे देखिए अबाउट फोन और यहां पे देखिए November 1, 2018, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल November 1, 2018। तो मेरा फोन अब अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप जरूर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अपडेट कर लीजिए। के अंत में आपके साथ छोटा सा एक बात शेयर करना चाहता हूं। देखिए मैंने उस अपडेट के वीडियो में यह भी कहा था कि बैटरी का जो परफॉर्मेंस है, यानी बैटरी जो ड्रेन हो रहा है Asus ZenFone Max Pro M1 में, वो प्रॉब्लम जो है ये इस अपडेट से इंप्रूव हो जाएगा। दिक्कत यहां पे भी है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हो, भाई जिसको ये अपडेट मिला है यहां पे तो शो ही नहीं कर रहा है बैटरी ड्रेनिंग का जो इंप्रूवमेंट है वो। भाई मैंने Asus के साथ बात भी कर लिया है, Asus का जो प्रोडक्ट मैनेजर है उनके तरफ से ये न्यूज आया है। ये कोई फीचर्स नहीं है, ये आपको जो आपके फोन में जो बैटरी का दिक्कत हो रहा है इस अपडेट के बाद वो प्रॉब्लम अब नहीं रहेगा। तो अब आप इस अपडेट के बाद थोड़ा सा चेक कीजिए कि आपको बैटरी में जैसा पहले इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा था, बैटरी ड्रेन हो रहा था, उस तरह का प्रॉब्लम अब हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं जरूर आपके साथ हूं। और बहुत जल्द मेरे चैनल पे Asus ZenFone Max Pro M2 का गिव अवे भी स्टार्ट होगा, तो बने रहिए मेरे चैनल पे और इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद।